आइडिया सबसे पहले ईयर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में आया था, जिसमें सारे स्टेट मिनिस्टर्स की एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी, जिनमें उन्हें बोला गया था कि आप जीएसटी के ऊपर एक ड्राफ्ट रेडी करें। उसकी बात 2004 में विजय केलकर जी के अंडर एक टास्क फोर्स बनी, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी के टैक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या दिक्कतें हैं जो कि जीएसटी के आने के बाद ही दूर हो पाएंगे। 2004 में देश में आम चुनाव है, जिसमें मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई। पहले बजट में उस टाइम की फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने बोला कि अब हमें एक लॉन्ग टर्म गोल रेडी करना पड़ेगा कि जीएसटी को देश में कैसे लाया जाए, और उस टाइम पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। 2006 के बजट में पी चिदम्बरम जी ने अनाउंस कर दिया पार्लियामेंट में कि 1 अप्रैल 2010 से हम देश में जीएसटी लेकर आने वाले। समय बढ़ता गया और बहुत सारी कमेटियां बनी, लेकिन किसी भी कमेटी ने अपनी डेडलाइन पूरी नहीं की। फरवरी 2010 आ गया और उस समय थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जी। उन्होंने एक मिशन मोड रेडी किया जीएसटी को लाने के लिए, और जीएसटी एक साल और पोस्टपोन हो गया। 2011 में देश में जीएसटी लाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आया, लेकिन उस समय उन्हें अपोजिशन पार्टी से बहुत सारे प्रोटेस्ट फेस करने पड़े और वो बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास चले गया रिव्यू के लिए। उस समय की अपोजिशन पार्टी का कहना ये था कि अभी जीएसटी में डिस्प्यूट को लेके सेंट्रल के पास स्टेट से ज्यादा पावर है, तो उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। समय और बढ़ता गया और कोशिश की गई कि कैसे भी करके सारे डिस्प्यूट्स को हटाया जाए। उसमें से एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट और था कि जो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के आने के बाद जो लॉस होगा उसका क्या। तब की फाइनेंस मिनिस्टर 2013 में चिदम्बरम जी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को 2000 करोड़ ऐसा कंपनसेशन देगी जीएसटी आने के बाद। 2013 में गुजरात गवर्नमेंट ने बिल को अपोज किया, क्योंकि उनका कहना था कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और गुजरात एक मैन्युफैक्चरिंग हब। जीएसटी आने के बाद गुजरात की गवर्नमेंट को 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है, इसलिए जीएसटी में कुछ हमारे लिए भी किया जाए। समय और बीतता गया और देश में आम चुनाव आए, देश में सरकार बदली और मोदी जी की सरकार है। सरकार आते ही दिसंबर 2014 में अरुण जेटली जी ने जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रखा पार्लियामेंट में। बहुत सारे डिस्प्यूट सॉल्यूशन के बाद आखिरकार सितंबर 2016 में उसे प्रेसिडेंट की सिग्नेचर मिली, वो एक्ट बना और 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ।